अदिति सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस इवेंट पर। एक फिल्म की सक्सेस 6 साल बाद आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? फैबुलस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर अश्विन। पान सिंह तोमर के साथ भी रिसेंटली यही हुआ है, तो आई थिंक अच्छा है। ऑडियंस इज वांट टू लिसन टू नाइस स्टोरीज और आई फील वेरी हैप्पी जब एक फिल्म अंडरडॉग फिल्म जो 6 साल कैंस में रहती है कम्स आउट एंड इट डज वेल, एवरीबॉडी फील्स हैप्पी। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर अश्विन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फिल्म। सक्सेस पार्टी आजकल तुरंत पिक्चर रिलीज होने के दूसरे हफ्ते की जाती है, किस बेस पर होती है आपकी सक्सेस का? मुझे मार्केट और बिजनेस नहीं समझ आता, बट आई बिलीव आजकल फिल्म की सक्सेस वीकेंड पे ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगर ऐसा है आजकल और इतना क्विक आप लोगों को रिजल्ट्स मिल जाते हैं, सो अ वीक इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, तो होता होगा कुछ, पता नहीं। मुझे सिर्फ मुझे एक्ट करना अच्छा लगता है, मुझे मार्केट नहीं समझ आता है। सक्सेस पार्टी इस फिल्म की, इस फिल्म में काफ़ी सारे बोल्ड दृश्य भी है, इसकी ए सर्टिफाइड है, क्या कहना चाहिए? आजकल ज़्यादातर ट्रेंड बन चुका है पिक्चर ए सर्टिफाइड आती है, प्रॉब्लम नहीं होती डायरेक्टर्स को, पर ए सर्टिफाइड से वो ये करते हैं। आई थिंक ये सेंसर बोर्ड की मैच्योरिटी है। सेंसर बोर्ड एक्चुअली इज नॉट इवन कॉल्ड अ सेंसर बोर्ड नाउ, इट्स फिल्म सर्टिफिकेशन। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि वाई शुड समबडी डिसाइड व्हाट वी कैन वॉच एंड व्हाट वी कांट। ये द सेंस इज कि हम उसको सर्टिफाई करें कि विच एज ग्रुप कैन वॉच ए पर्टिकुलर फिल्म और नॉट। तो आई थिंक ए सर्टिफिकेट की जो भी फिल्में होती हैं देयर फॉर ऑब्वियसली अ मोर मैच्योर ऑडियंस, बट इट मेक्स सेंस क्योंकि रियल फिल्म्स होती हैं। If you are showing two people in love, then obviously you are going to show that there will be kissing, etc. But children shouldn't watch them, so it makes sense. बोल सीन से आप कितनी comfortable हो? आप कहना चाहोगे? मैं सोच समझ के अगर करूँगी तो सोच समझ के करूँगी, मुझे it depends on the director. तो मुझे I wouldn't बिना सोचे बोल सीन है कर दो, ऐसे नहीं। I would सोच के, स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंडेंट, डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट। लंदन पेरिस न्यूयॉर्क की सफर करने के बाद अब अदिति क्या करेगी? बॉम्बे में मर रही हूँ, आप आपको गर्मी नहीं लग रही? मैं भाग जाऊँगी लंदन पेरिस न्यूयॉर्क फिर। इस गर्मी की सीजन आप कैसे गो ग्रीन कर रहे हैं? मैं नारियल पानी पी रही हूँ खूब सारा हर घंटे, और मैं कोशिश कर रही हूँ अपना एसी ज़्यादा ऑन नहीं करूँ बिकॉज इट्स टेरेबल फॉर द एनवायरनमेंट, बट करना पड़ता है, यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। Thank you. Daniel, excuse me. Sir, look at that.